जैन साथियों, आपने देखा कि बिहार शिक्षक भर्ती का परिणाम जारी हो गया। बिहार शिक्षक भर्ती में प्राथमिक के परिणाम जारी होने के बाद बहुत सारे सवाल मन में उठ रहे हैं, बहुत सारे लोगों के सवाल है। उन सभी सवालों के जवाब हम एक एक करके क्रमवार रूप से देंगे। उसके अलावा भी बिहार शिक्षक भर्ती से जुड़ा हुआ अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो, इस वीडियो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं या वीडियो को अपने सभी मित्रों को शेयर कर दीजिएगा जो बिहार शिक्षक भर्ती में सफल हुए हैं। ये वीडियो सभी के लिए जिन्होंने बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा में सम्मिलित हुए थे, और कुछ ऐसे भी अभ्यर्थी हैं जो बिहार शिक्षक भर्ती में आवेदन नहीं किए थे या आवेदन करने से वंचित रह गया, इसका सिलेक्शन नहीं हुआ, उनके लिए भी वीडियो काफी महत्वपूर्ण है। अगर आप BTC या BEd हैं तब भी ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ बहुत सारे ऐसे सवाल आ रहे हैं, उन सभी सवालों का क्रमवार जवाब लेंगे। क्योंकि एक आरोप ये भी लग रहा है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने प्राथमिक से BEd को बाहर कर दिया, तो किस आधार पर कुछ जगह आ रही है, खबरें आ रही हैं कि प्राथमिक में अभी भी BEd के परिणाम जारी के लगभग 7 से 8 हज़ार पद ऐसे हैं जिनको ये आरोप लगाया जा रहे हैं कि इसमें BEd के अभ्यर्थी हैं। उस पर भी हम आगे बात करेंगे। एक वायरल वीडियो के माध्यम से खबर हम तक पहुंची, इसमें कितनी सच्चाई है ये अभी तक तो इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। दूसरी बात एक और है जहां पर कहा जा रहा है कि ज्यादा अंक वालों का सिलेक्शन हो गया, कम अंक वालों का नहीं हो पाया है। लेकिन एक अनुमानित जो लग रहा है, जो पता चला कट ऑफ की जो अदर स्टेट के थे उनके 68 पुरुष मेल जो थे उनका कट ऑफ लगभग 68 के ऊपर जो भी जिनका मार्क्स था उनका सिलेक्शन हो गया, और 58 से ज्यादा जिन महिलाओं का मार्क थे, अंक थे, उनका सिलेक्शन हो गया। अभी पूरी पुख्ता जो खबर है वो आपको क्रमवार इसमें मिलेगी। वैसे इस वीडियो अंत तक बने रहिएगा, वीडियो को अपने यहाँ तक देख लिया है, इस वीडियो को अपने सभी मित्रों को शेयर करिएगा। लाइक नहीं किया तो लाइक कर रखिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। हम बढ़ते हैं इसके एक एक करके बात करते हैं। सबसे बहुत सारे सवाल का जवाब है, ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा होगा लेकिन अंत तक बने रहेगा। यहाँ पे कह रहे हैं कि शिक्षक भर्ती परीक्षा में 1,22,000 अभ्यर्थी हुए सफल। अगर हम प्राथमिक की बात करें तो प्राथमिक में कुल मिलाकर, मतलब प्राथमिक, जूनियर, माध्यमिक, मतलब TGT PGT प्राथमिक मिलाकर कुल अभ्यर्थियों की बात की जाए तो लगभग 1,22,000 अभ्यर्थी सफल हुए हैं, मतलब जो पास हो गए हैं। लो कम पद, मतलब सीट से भी कम अभ्यर्थी पास हुए, तो एक कॉमन सी बात बन रही है, क्या दूसरी लिस्ट जारी हो सकती है? जी हाँ, इस पर भी बात चल रही है कि दूसरी लिस्ट भी जारी हो सकती है। आइए क्रम रूप से करके हम बात करते हैं, लेकिन आप उससे पहले तथ्यों पर फोकस कर लेते हैं आप लोग के साथ मिलकर, ताकि नई चीजें हमारे सामने आ जाए। ये एक वायरल पोस्ट है जो न्यूज़पेपर का, प्रिंट मीडिया का, उनका आभार है। यहाँ पर हम देखेंगे कि उच्च माध्यमिक शिक्षकों की लगभग 44% सीटें ही भर सकी, मतलब आधा से भी कम सीटें किसकी भर पाई हैं? उच्च माध्यमिक शिक्षकों के लिए। दूसरी बात यह है कि प्राथमिक का आंकड़ा 90% के पार, लेकिन प्राथमिक शिक्षक भर्ती की बात करें जाए तो 90% ज्यादा, लगभग यहाँ पर 90.5%, मानी 72,943, लगभग 79,943, मतलब लगभग 80,000 पोस्ट था, जिसमें से 72,419, मतलब लगभग 80,000 में से 72,000 अभ्यर्थियों का चयन हो पाया, लगभग 8,000 सीटें खाली है, मतलब लगभग ये अनुमान लगाया जा रहा है कि 10% सीटें अभी भी रिक्त रह गई हैं। ये सीटें के लिए क्या दोबारा लिस्ट जारी होगी? और बहुत सारी बात ये मन में आ रही कि क्या होगा, क्या ये इसको नए पद के साथ जोड़कर होगा? ध्यान दीजिएगा, अब दूसरी लिस्ट भी जारी होने की संभावना, दूसरी इसलिए जारी होने की संभावना है क्यों? क्योंकि कुछ अभ्यर्थी ऐसे होंगे जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी छटेंगे, कुछ अभ्यर्थी ऐसे होंगे जो योग्यता के पैमाने को पूरा फुल नहीं कर रहे थे लेकिन वो परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए, इस प्रकार के अभ्यर्थी भी जब DV होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तो उसमें भी छटेंगे। तो माना जा रहा है कि 15,000 से 20,000 अभ्यर्थी जो टोटल होगा दूसरी लिस्ट भी आ सकती है। दूसरी लिस्ट पर कितनी मेरिट कम होगी, इस पर हम एक अलग सेपरेट वीडियो बनाएंगे, और आप इस पर कमेंट करेंगे, आप चाहेंगे पूछना चाहेंगे तो उस पर हम एक सेपरेट वीडियो बना देंगे, ताकि हमारी और आपकी बात एकदम और स्पष्ट हो जाए कि दूसरी मेरिट अगर बनती है, लिस्ट जारी होती है, कितनी मेरिट तक का सफल हो जाए। क्योंकि मैंने शुरुआत में भी कट ऑफ तो मेरिट बताई थी, जब उसमें BEd भी सम्मिलित था, मैंने बताया था, लोगों ने टिप्पणियां भी की थी कि आप ऐसे यूट्यूबर जिनका सबसे ज्यादा कट ऑफ आपने बताया है, और आपने देखा कि कट ऑफ कितना गया है। आप उम्मीद कर सकते हैं लगभग 70 पुरुष के लिए, लगभग 60 महिला के लिए गया है। अगर BEd भी सम्मिलित होता तो कट ऑफ 75 के लगभग होता, जैसा कि मैंने वीडियो में बता दिया था कुछ शुरुआत में, लेकिन लोगों ने कहा नहीं आप गलत बता रहे, लोग यूट्यूबर कम बता रहे। फिलहाल वो मुद्दा बीत चुका है, हम आज के टॉपिक पर बात करते हैं। उच्च माध्यमिक की बात करें तो लगभग 57,602 में से केवल 23,000 अभ्यर्थी सफल हो सके हैं। माध्यमिक की बात की जाए तो इसमें केवल 80% अभ्यर्थी, 32,916 में से 26,204 अभ्यर्थी सफल हो पाए। कुल यहाँ पर देखा जाए 1,70,000 पोस्ट थे, जिसमें से लगभग 1,22,000 ही लोग नियुक्ति, मतलब सफल हो पाए, मतलब 50,000 सीटें भी खाली रह चुकी हैं। 50,000 सीटों के लिए कुछ ऐसे पद हैं जिसके लिए मेरिट डाउन की जा सकती है, और मेरिट डाउन करके उनका चयन होगा। कुछ पोस्ट ऐसे भी हैं जहाँ पर अब दोबारा जो भर्ती होगी उस भर्ती में सम्मिलित किया जाएगा। एक सवाल आ रहा है कि दोबारा भी कार्य शिक्षक भर्ती होने जा रही है, इस वीडियो में आपको इसका भी जवाब मिल जाएगा। तो यहाँ पर पूरा एकदम आंकड़ा आपके सामने है कि जो एकदम स्पष्ट किया गया है कि बुधवार की रात प्राथमिक परिणाम वेबसाइट अपलोड कर दिया गया, आयोग ने स्पष्ट क्या किया है कि जारी कर दिया है, नियुक्ति परिणाम जारी देते हुए विपेशी अत्र प्रसाद ने भी ये दिया। अच्छा, उसके साथ ध्यान दीजिएगा यहाँ पर सरकार निर्देश मिलने पर वेटिंग लिस्ट वालों को मिलेगा अवसर। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जो बात बात लोग पूछ रहे हैं कि जो वेटिंग लिस्ट के अभ्यर्थी हैं क्या उनको मौका मिलेगा? जी हाँ, जैसे सरकार का कोई जो स्टैंडर्ड है या जो उनका भर्ती के बाद जो सीन बनेगा, उसके बाद जो आयोग है वो दूसरी लिस्ट भी जारी करने के लिए तैयार है। क्योंकि इसमें एक आरोप ये भी लग रहा है कि लगभग
जो 7000 लगभग 7000 पद, एक वायरल वीडियो आ रहा है उस पर भी मैं आपको ले चलूंगा, दिखाऊंगा कि उसके लिए सेपरेट वीडियो बना दूंगा अलग से। लगभग 7000 पोस्ट पे ये कहा जा रहा है, आरोप लगाया जा रहा है कि बीएड की अभ्यर्थी को भी रिजल्ट जारी कर दिया गया। अगर ये सत्य बात है तो हो सकता है कि उनके रिजल्ट को अगर वापस किया जाएगा तो ये उम्मीद लगाई जा रही है कि लगभग 25000 सीट जो है पीआरटी में चलेगा। लगभग पीआरटी में 25000 सीट होता है जो रिक्त हो सकता है, जिस पर सर मिलने पर वेटिंग लिस्ट वालों को भी अवसर मिल सकता है। मैंने जो वेटिंग लिस्ट में रहेंगे जो हैं भी या जिनकी जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया उनको भी एक बड़ा अवसर, एक बड़ा मौका मिल सकता है, ये एकदम स्पष्ट कर रहा है। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि अतुल जी ने कहा है कि कई अभ्यर्थी माध्यमिक उच्च माध्यमिक दोनों परीक्षा में सफल हुए हैं और किसी एक में ही योगदान दे सकेंगे। वो कई अभ्यर्थी ऐसे हैं जो दोनों में सफल है, क्योंकि एक को ही ज्वाइन करेंगे तो अभी पद रिक्त हो जाएगा, उसके लिए भी मेरी डाउन की जा सकती है और वेटिंग लिस्ट की मेधा सूची जारी करेगा। उन्होंने बताया कि परिणाम पूरी तरह से औपनिवेशिक कई बार तो सीटी उत्तीर्ण आदि से संबंधित आज तक जानकारी आयोग को उपलब्ध नहीं कराई थी, फिर भी उनका परिणाम जारी कर दिया। मतलब कुछ लोग ऐसे हैं जिनके सीटेट के परिणाम जो थे, सीटेट पास है कि नहीं है इस पर भी संशय है, इस पर ही बड़ा प्रश्न चिन्ह, उन्होंने भी फॉर्म भर दिया था और अब वो भी बाहर हो सकते हैं। तो जब सत्यापन होगा दस्तावेजों का तो वो भी क्या होंगे, उनका परिणाम रद्द कर दिया जाएगा, इस स्थान पर वेटिंग लिस्ट बनाई जाएगी। मतलब एक बात एकदम साफ हो गया कि हाँ वेटिंग लिस्ट आ सकती है। मतलब एक बात स्पष्ट हो गया कि बिहार शिक्षक भर्ती में अब एक और मोड़ है कि मेरिट डाउन हो सकती है, लेकिन अभी अभ्यर्थी घबराए नहीं, वो पूरी तरह से अपने आपको संभाल कर रखें कि मेरिट जो है वो फिर से दोबारा आ सकती है और लिस्ट बन सकती है। नियुक्त शिक्षकों को ऑनलाइन आवंटित होंगे स्कूल, स्कूल जो होंगे वो ऑनलाइन आवंटित होंगे। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि बीपीएससी द्वारा पटना में नियुक्त जो घोषित हुए लगभग 49 शिक्षकों को बुधवार को काउंसलिंग की गई, उन्होंने अंग्रेजी में 35 मतलब यहाँ पे देख लिए काउंसलिंग करने की बात बताई गई। यहाँ पर शिक्षक नवंबर तक आवंटित प्रशिक्षण केंद्र, मतलब प्रशिक्षण केंद्र भी बनेगा और प्रशिक्षण केंद्र पर जाकर सभी, देखिए एक काफी तेजी से वायरल हो रहा है कि जो भी अभ्यर्थी हैं उनके लिए कुछ जो काउंसलिंग है उनके लिए डीवी के लिए, देखिए यहाँ पे हम देख पाएंगे आप, देखिए यहाँ पर रिजल्ट शिक्षक भर्ती परीक्षा 72% अभ्यर्थी सफल हो गए हैं, वो दो रिजल्ट जारी करते हुए बीपीएससी अध्यक्ष अतुल जी हैं। और यहाँ पे देखिए प्राथमिक 72419, इसमें जो ये 72000 जो पोस्ट यहाँ पर प्राथमिक के लिए आ रही है, पीआरटी के लिए आ रही है, इसमें ये माना जा रहा है कि कुछ ऐसे अभ्यर्थी होंगे जो अभी सीटेट उत्तीर्ण नहीं है, सीटेट नहीं पास, फिर उन्होंने फॉर्म भर दिए फिर भी वो पास हो गए, ऐसे अभ्यर्थियों को भी यहाँ से बाहर होंगे तो वो सीट बचेगी। साथ ही कुछ ऐसे अभ्यर्थी हैं जो बीएड के अभ्यर्थी थे, उन्होंने फॉर्म भर दिया, या जिनको ये कहा जा रहा है बीएड के अभ्यर्थी बीटीसी दोनों थे। अच्छा कई बात ये भी आरोप लग रहा है कि बीटीसी बीएड के दोनों के अभ्यर्थी थे, उन्होंने बीएड से फॉर्म भर दिया, बाद में आयोग ने कहा था कि अगर जो बीटीसी बीएड दोनों हैं वो अपना दस्तावेज बदल सकते हैं, तो कुछ लोगों ने बीटीसी लगा दिया है, तो बाद में उसको लिए भी सवाल उठ रहा है कि वो उनका सो भी बीएड में कर रहा है। तो ये भी इस पर भी पर्दा उठना बाकी है कि वास्तव में सच्चाई क्या है, ये सच्चाई भी आयोग स्पष्ट करेगा, क्योंकि जो बच्चे अभ्यर्थी हैं वो उस पर आंदोलन भी कर रहे हैं और कई जगह इसकी मांग करी और खबर भी चल रही, जैसा कि मैंने सोशल मीडिया पर देखा है। और कई लोग ये भी आरोप लगा रहे हैं कि ज्यादा अंक थे फिर उनका लिस्ट में नाम नहीं है, कम अंक वालों का आ गया। इस पर भी बीपीएससी का मानना यह है कि हो सकता है उनकी उत्तर कुंजी में कहीं दिक्कत थी या उनको उन्होंने जो ओमार सिर्फ भरने में गलती नहीं की, इस पर भी क्या है वो आयोग अभी इस पर स्पष्ट करेगा। इससे एक बात साफ स्पष्ट हो रही है कि मेरिट डाउन हो सकती है, एक लाइन में कहा जा सकता है। माध्यमिक में 26204 पदों पर शिक्षक मिले हैं और 23701 पर उच्च माध्यमिक में, लेकिन एक बात और स्पष्ट होती है, कुछ ऐसे हैं जो दोनों में हो गए या कुछ ऐसे हैं जो तीनों में हो गए हैं, तो उनमें से किसी एक को ज्वाइन करेंगे बाकी फिर से पद रिक्त बचेगा, तो कहीं ना कहीं फिर से मेधा सूची द्वारा जारी हो सकती है। तो एकदम यहाँ पर स्पष्ट हो गया पूरी तरह से। एससीईआरटी नौचनी तक 122,324 शिक्षकों को प्रशिक्षण देगा, इसका विषय मतलब यहाँ पर ये भी स्पष्ट हो गया कि 24 अक्टूबर तक जिन शिक्षकों को काउंसलिंग हो जाएगा उनका प्रशिक्षण शुरू कर देगा, मतलब जिनका प्रशिक्षण होता जाएगा उनकी क्या होगी काउंसलिंग भी होती जाएगी, उनको विद्यालय आवंटित भी करता जाएगा। प्राथमिक से डीएलएड अभ्यर्थी के रिजल्ट, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर एकदम आपके लिए अहम है कि प्राथमिक में सिर्फ डीएलएड अभ्यर्थियों का ही रिजल्ट जारी हुआ, ये बात आपके लिए काफी अहम है और मुझे लगता है आपको इस बात के बारे में जानकारी है, पता भी होना चाहिए। आयोग के अध्यक्ष ने बताया कि प्राथमिक सिर्फ डीएलएड अभ्यर्थियों का रिजल्ट जारी किया गया, इसमें बीएड वालों का रिजल्ट नहीं है। प्राथमिक में 72,419 अभ्यर्थी सफल हुए, डीएलएड में 380,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। उन्होंने बीएड अभ्यर्थियों के रिजल्ट के संबंध में कुछ भी स्पष्ट नहीं करते हुए सिर्फ इतना कहा कि जिसने दर्द दिया है वही दवा भी देगा, मतलब बीएड के बारे में उन्होंने कोई बात स्पष्ट नहीं की, उन्होंने कहा जिसने दर्द दिया है वही दवा देगा, मतलब उनका संकेत माननीय न्यायालय की तरफ था। फिलहाल इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना है। बिहार सरकार ने प्रेस विज्ञप्ति की है, प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से वायरल पोस्ट आई है, साथ मुझे लगता है आपके पास भी वायरल पोस्ट पहुंची होगी। बिहार लोक सेवा आयोग कक्षा 1 से 5 तक परिणाम घोषित किया जा चुका, सफल अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि इन कक्षाओं के सभी काउंसिलिंग संबंधित जिलों में
जिनका मन ध्यान दीजिएगा इन कक्षाओं के सभी काउंसिलिंग संबंधित जिलों में जहां पर जिस जिले में आपकी नियुक्ति के लिए जारी हुआ जहां पर आपका दिया गया कि किस जनपद में आपका हुआ है बिहार के 20/10/2023 से सुबह 9:30 बजे से प्रारंभ हो जाएगी और कई चरणों में चली मैंने 20 तारीख से मतलब आज से शुरू हो गई थी और कई चरणों में ये चलेगी तो आप भी देख लीजिएगा। सफल अभ्यर्थी अनुरोध है कि शिक्षा विभाग की विभागीय वेबसाइट जो है उस पर अपना क्रमांक रोल नंबर देख लें और उनकी काउंसिलिंग किस चरण में है तभी कोई काउंसिलिंग हेतु उपस्थित हो और ताकि काउंसिलिंग केंद्रों पर अनावश्यक भीड़ न हो जिस स्थिति में काउंसिलिंग हो तभी वहां पहुंचे अनावश्यक जाकर वहां भीड़ न हो। इसके सत्यता इसकी पुष्टि के लिए आप आयोग की वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं वहां पर आपको यहाँ पे विज्ञप्ति भी मिल जाएगी और आप अपना रोल नंबर के देख सकते हैं किस पेज पर है किस आधार पर अभी काउंसिल होंगी। फिलहाल उस पेज को भी हम एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए बिहार शिक्षा विभाग ने विद्यालय अध्यापक 1 से 5 तक की जो काउंसिलिंग सूचना है वह यहाँ पर दिख रही है। एक वायरल पोस्ट है और मुझे लग रहा है ये पोस्ट कहीं ना कहीं आप लोगों तक भी पहुंची होगी। 20/10 को काउंसिलिंग के लिए आने वाले अध्यापक जो है वे बीपीएससी की मेधा सूची की 1 से लेकर 17 पर जो पेज संख्या 1 से लेकर 17 तक है वो 20 तारीख को अपने चयनित जनपद में जाकर अपनी काउंसलिंग करा सकते हैं अपने सारे डॉक्यूमेंट दस्तावेज को। 21 तारीख को काउंसलिंग के लिए आने वाले विद्यालय 1 से 5 में बीपीएससी की सूची में 18-34 माने जो 18 से लेकर 34 पेज नंबर तक है वो जा सकते हैं। फिर 22 तारीख को काउंसलिंग के लिए आने वाले विद्यालय अध्यापक अभ्यर्थी वो 35 से 51 तक होंगे। 23 तारीख को जो है वो 52 से 68 पेज नंबर 52 से 68 पर जिनका है और 24 तारीख को जिनका 69 से 85 पेज नंबर तक है और 25 तारीख को 86 से 102। मतलब यहाँ पर एक बात स्पष्ट हो गया है कि जो भी अभ्यर्थी जिनकी उनकी काउंसलिंग जो होगी वो लगभग 1, 2, 3, 4, 5, 6 दिनों में माने 6 दिनों में पूरी काउंसलिंग कंप्लीट करा ली जाएगी। उसके बाद काउंसलिंग होने के बाद उनका प्रशिक्षण शुरू कर दिया जाएगा और उनको माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा नियुक्ति पत्र भी मिल जाएगा और विद्यालय का आवंटन ऑनलाइन होगा। अब इसमें से बहुत सारे अभ्यर्थी होंगे जो इसमें सफल नहीं हो पाए उनके लिए बहुत सारे सवाल हैं। सबसे पहले इस वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक नहीं तो लाइक करिएगा। मेरे द्वारा निशुल्क क्लासेज आपके लिए देश हित में राष्ट्रहित में चलती रहती है। देखिए जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया उनके लिए एक बात तो एक साफ संकेत है कि बिहार शिक्षक भर्ती मेरिट डाउन हो सकती है, मेरिट कम भी हो सकती है, इसलिए कम होने के लिए दूसरी मेधा सूची जारी हो सकती है। इसलिए जिनका 1, 2, 3 नंबर से या एक लगभग जो कट ऑफ है उस पर मैं बात कर लूंगा, उस पर भी मैं वीडियो बना दूंगा तो आप उसके लिए अच्छा मेरिट हाई कहीं क्यों गई इस पर भी मैं वीडियो बना दूंगा आपके लिए कि क्या ऐसा कारण है कि बिहार की मेरिट काफी ज्यादा होगी से ज्यादा और मैंने भी इस पर क्यों बताया था इस पर भी मैं एक बार आपका ध्यान आकर्षित करूंगा। लेकिन फिलहाल इसके स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा और टेलीग्राम पे सभी लोग वीडियो के साथ जुड़े रहेगा। मैं बात कर रहा था जिनका सफल नहीं हुए उनके लिए देखिए दूसरा मौका भी लेकर आ रही है। डीएलएड के लिए ध्यान दीजिएगा, जो अभ्यर्थी डीएलएड किए हुए हैं उनको यह लग रहा होगा कि मैं अब तो बिहार में जो शिक्षक भर्ती है मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। देखिए जो डीएलएड बीटीसी के अभ्यर्थी हैं वो 1 से लेकर 8 तक के लिए बिहार में आवेदन कर सकते हैं। 1 से 5 लेकर भर्ती नहीं आ रही है तो 6 से लेकर 8 तक वाले भर्ती में आवेदन कर सकते हैं। लेकिन जो बीएड के अभ्यर्थी है वो टीजीटी पीजीटी माध्यमिक और उच्च माध्यमिक जो है उसमें आवेदन कर पाएंगे। तो एकदम बात साफ हो गई है कि जो जूनियर की भर्ती 6 से 8 तक उसमें बीटीसी और डीएलएड दोनों के अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। लेकिन जो उच्च माध्यमिक और उच्च माध्यमिक बिहार के लिए क्यों कह सकते हैं टीजीटी पीजीटी उसमें केवल बीएड के अभ्यर्थी आवेदन कर पाएंगे। तो अगर आप डीएलएड या बीटीसी के अभ्यर्थी हो तो घबराना नहीं, आपको एक मौका और मिलेगा। अगर आप जूनियर का सीटेट पास है तो आप अगली रेस के लिए तैयार है। अगर आप इसमें सिलेक्शन नहीं हुआ है बीपीएससी को ही मिलेगी जिम्मेदारी अक्टूबर के अंतिम नवंबर पहले सप्ताह में निकल सकता है विज्ञापन। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर एकदम बात साफ लिखा है, बीपीएससी को ही मिलेगी जिम्मेदारी अक्टूबर के अंतिम नवंबर के पहले सप्ताह में मिल सकता है विज्ञापन। माने एक भर्ती भी पूरी नहीं हुई दूसरी भर्ती के लिए बीपीएससी तैयार है और एक बड़ी पदों पे मतलब शिक्षक नियुक्ति दूसरे चरण में 1,20,000 पदों पर भर्ती हो सकती है। माने अभी 1,70,000 पदों पर भर्ती का रिजल्ट जारी हुआ है और अब दूसरी तैयारी है 1,20,000 पदों पर और ये अक्टूबर के अंतिम सप्ताह या नवंबर के प्रथम सप्ताह में यह जारी हो सकता है। इसमें अगर मैं पदों की बात करूं तो यहाँ पर जो पद होंगे वो 70,000 से बढ़ जाएंगे, पद जल्दी भेजे के दिया जाए तो अभी ये उम्मीद लगाई इसमें और पदों की संख्या बढ़ सकती है। तो इसमें एकदम मैंने जो बात था वो एकदम स्पष्ट आपको कर दिया कि इसमें कौन कौन इसमें इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो अलग से बना दूंगा। देखिए आप यहाँ प्राथमिक में हिंदी माध्यम के 62,653 हुए सफल। बिहार लोक सेवा आयोग ने बुधवार को प्राथमिक रिजल्ट जारी कर दिया। हिंदी माध्यम से 62,653 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। रिजल्ट में सिर्फ सभी वर्गों के सफल अभ्यर्थियों की संख्या के समय उनका अनुक्रमांक दिखाया गया है। आयोग की वेबसाइट पर रिजल्ट अपलोड कर दी गई है, कोई कट ऑफ जारी नहीं किया गया है। अनारक्षित श्रेणी के 25,744, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 67,102, एससी के 75,84, एसटी 501, ईवीसी के 12,069, वीसी के 8,040 और वीसी महिला के 2,013 अभ्यर्थियों को सफलता मिली। उर्दू माध्यम में 1,797 और बंगला में 1,969 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया। कुल मिलाकर 72,419 का रिजल्ट जारी हो चुका है। बाकी जो पद हैं उनके लिए मेरिट डाउन होकर दूसरी सूची जारी हो सकती है जैसा कि बार बार कहा जा रहा है।
काउंसिलिंग में देरी से ही मात्र 49 को मिला नियुक्ति पत्र, काउंसिलिंग में देरी हुई थी इसलिए इनको ही मिल पाया नियुक्ति पत्र। राज्य भर में पहले दिन 800 से काउंसिलिंग वहां पे चल रही है, जैसा कि आप जान पाए हैं काउंसिलिंग भी लगातार चल रही है। और आगे देखिएगा यहाँ पे बच्ची रुकते जुड़ी सरकार की ओर से पहले 70,000 पद निकाले गए थे, इसमें से मध्य के 31,982, माध्यमिक 18,880, उच्च माध्यमिक 18,830। मतलब अभी 31,982 पद पर अगर आप बीटीसी डीएलएड के अभ्यर्थी हैं एक मौका आपको यहाँ पे मिल सकता है, बीएड के अभ्यर्थी हैं तो भी आपको यहाँ मौका मिल सकता है, लेकिन उसके लिए आपको जूनियर का सीटेट पास होना अनिवार्य है। बाकी के लिए जो 18,880 पद है उसके लिए अभी मान के चलिएगा कि जो उससे ज्यादा पद है जो माध्यमिक या उच्च माध्यमिक पद है उसके लिए केवल बीएड के लिए अनिवार्य होगा। अच्छा, इतने माध्यमिक इतने उच्च माध्यमिक के हैं, लेकिन जो जूनियर, सॉरी इसमें ये दोनों माध्यमिक उच्च माध्यमिक के हैं, लेकिन जो जूनियर के पद होंगे उसमें आप आवेदन अच्छे तरह से कर पाएंगे। इसके लिए विज्ञापन की जो प्रक्रिया है वो ये लगाई जा रही है कि जल्द ही हो जाएगा। तो यहाँ पर एकदम पूरी स्पष्ट रूप से दिया गया है कि अगले चरण में होने वाली शिक्षक नियुक्ति पूर्व में तय पदों का इजाफा होगा, माने पद और बढ़ सकते हैं, अभी तक जितना उम्मीद लगाए थे उससे ज्यादा पदों पर भर्ती हो सकती है। बिहार आयोग की ओर से जारी रिजल्ट के बाद कितने पद खाली रह जाएंगे उतने अगली नियुक्ति में जोड़ दिए जाएंगे। मैंने एक बात ये भी कही जा रही है कि बिहार शिक्षक भर्ती में आने वाले में ये होगा कि दूसरी लिस्ट नहीं है, लेकिन एक तरफ कही जा रही दूसरी लिस्ट जारी होगी और एक तरफ कहा जा रहा है कि दूसरी लिस्ट जारी नहीं होगी। मैंने आज के जो न्यूज़पेपर उसमें भी अपने आप में एक विरोधाभास है, लेकिन इस पर भी हम लोग बात करेंगे आगे होना क्या है, क्या हो सकता है। अगले चरण की नियुक्ति के लिए 70,000 पद चिन्हित किए गए हैं, जल्द ही इन पदों पर नियुक्ति के लिए आयोग अधिसूचना भेजने के तैयारी कर। अगले चरण की नियुक्ति में मध्य विद्यालय शिक्षकों के 31,982 पद तय किए गए, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के 18,830। मतलब यहाँ पे देखा जाए कि जो बीटीसी और बीएड के अभ्यर्थी हैं उनके लिए अभी भी 31,982 लगभग 32,000 पद हैं जिस पर वो आवेदन कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा मौका है आप सभी के लिए इस पर नियुक्ति के लिए। आप किसी भी जो खबर के लिए किसी भी मैच के लिए आप टेलीग्राम पर दुर्गेश सर सर्च करके ई लर्निंग विद दुर्गेश पर जुड़े सकते हैं, जहां पर आपको सभी क्लास के लिंक नोट्स आपको क्रमवार रूप से आपको मिलती रहेगी। बिहार शिक्षक भर्ती के जो भी नोट्स है एनसीईआरटी के, माध्यमिक के, उच्च माध्यमिक के और यहाँ तक कि जूनियर शिक्षक भर्ती के, सभी आपको लेने में दुर्गेश उपलब्ध है। उनकी आप पीडीएफ और हार्ड कॉपी दोनों आप यहां से प्राप्त कर सकते हैं। इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर आप सभी जानकारी ले सकते हैं। जी हाँ, ये नंबर आपके काम आएगा कि मेरे द्वारा क्लासें निशुल्क आप सभी के लिए देशहित में राष्ट्रहित में उपलब्ध है और उम्मीद करेंगे आप अपनी तैयारी को इसी तरह से जारी रखेंगे और आगे भी अपनी तैयारी के लिए सफलता के लिए कदम दर कदम चलते रहेंगे। मुझे जब भी समय मिलता है मैं आपके लिए निशुल्क क्लास लेकर आता रहता हूँ, आगे भी लेकर आता रहूंगा। एनसीईआरटी के सभी नोट्स लर्निंग विद दुर्गेश पर उपलब्ध है, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पे नोट संबंधी सभी जानकारी आपको मिल जाएगा। यहाँ पर आप टेलीग्राम से भी नोट्स प्राप्त कर सकते हो, उसके लिए आप टेलीग्राम पर दुर्गेश सर सर्च करेगा बिना स्पेस के, ई लर्निंग भी दुर्गेश आएगा। उसके अलावा बिहार शिक्षक भर्ती जुड़ा हुआ अगर आपके सामने आपके मन में कोई प्रश्न कोई सवाल हो इस वीडियो में कमेंट करेगा, वीडियो को जहां भी देख रहे हैं लाइक करने के साथ साथ अपने सभी मित्रों को शेयर और साझा करेगा, वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं पेज को फॉलो करेगा, वीडियो को शेयर करेगा, वीडियो सभी को शेयर करेगा जो भी बिहार शिक्षक भर्ती से जुड़े हैं। तो आप कमेंट कर बताइएगा आपका क्या सवाल है, लेकिन याद रखिएगा बिहार शिक्षक भर्ती एक और अलग मोड़ पर खड़ी है, जल्दी आपको एक और बड़ी भर्ती बिहार में देखने को मिल सकती है। फिलहाल मिलते हैं नेक्स्ट संग साथ, चैनल पर नया है सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के चलेगा, आपके जो भी सवाल हो कमेंट करेगा, आपका कोई व्यक्तिगत सवाल हो तो लर्निंग विद दुर्गेश इंस्टाग्राम पर भी अपने सवाल पूछ सकते हैं। थैंक यू सभी का, जय हिंद, आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। रेस से घोड़े में सर रेस में चलते खेत में, इसलिए मैं बार बार कहता हूं पढ़ते रहिए अपनी तैयारी जारी रखिएगा। इसके अलावा अगर कोई प्रश्न होगा तो उस पर मैं सेपरेट वीडियो आपके लिए फिर से बना दूंगा। बाय बाय।